नवादा में हम लोग मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को जी, कमल छाप को जी, लालटेन को नहीं, लालटेन को नहीं, बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? तीन बार दिए वोट बीजेपी को। बस श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा, हाँ, आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद। विनोद यादव को नहीं दीजिएगा वोट? नहीं। किसको इस बार वोट मिलने जा रहा है? गुंजन सिंह। गुंजन सिंह को आप वोट दीजिए। हरकैन छाप में देगा सर, लालटेन में। लालटेन में, हाँ, जाए तो रहिए। लालटेन छाप को, लालटेन छाप में वोट दें। सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी से प्रेम है? मोदी, हमेशा मोदी से वोट दें। विनोद यादव। अच्छा, विनोद यादव को? तो निर्दलीय है ना? निर्दलीय से लड़ रहे हैं, खुद अपने आप पर अपने पैर थाम लेता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं नवादा बाजार में हूँ और यहाँ का माहौल जानने पहुँचे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोग, यहाँ की जनता किसे वोट देने जा रही है। आप यहीं के रहने वाले हुए भाई साहब? नहीं। तो मोहली नवादा। तो नवादा में इस बार किसको वोट मिलने जा रहा है? नवादा में हम लोग मोदी को वोट देंगे। मोदी जी को जी, कमल छाप को जी, लालटेन को नहीं? लालटेन को नहीं। क्यों? क्यों ऐसा ही, मतलब उनका हम लोग वोट देंगे, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और लालटेन छाप को नहीं दीजिएगा? नहीं। चलिए, तो देखिए कि ये माहौल है। इधर आइए बाबा, आप हरा हरा गमछा लिए हुए हैं, क्या माहौल है नवादा का? लालटेन छाप ज़्यादा है। आप लोग लालटेन छाप है? आप लोग लालू यादव के आदमी हैं? हाँ। इस बार जीत जाएगा यहाँ से? हाँ, जीत जाएगा। बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? तीन बार दिए वोट बीजेपी को, भोला बाबू सांसद बने, गिरिराज बाबू बने, हाँ, इसलिए अपना राज है बीजेपी से जी। आप इस बार लालटेन छाप को वोट? हाँ, इस बार तो देवे करेंगे लालटेन छाप। आरजेडी से कौन है यहाँ, किसको वोट दीजिएगा? श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा को। तो आप लालटेन छाप को जी? हाँ। देखिए कि ये माहौल है, बताइए भाई साहब क्या माहौल है आपके नवादा का? बढ़िया। किसको इस बार वोट मिलेगा? आरजेडी को। आरजेडी को, बीजेपी को नहीं दीजिएगा? क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई में? ट्वेल्थ कर रहे हैं, बीए में क्या कर रहे हैं? बीएससी फाइनल कर रहे हैं। अच्छा, बीएससी फाइनल ईयर में आप हैं, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी साथ में कर रहे होंगे। इस बार लालटेन छाप को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव को? विनोद यादव को। अच्छा, आप विनोद यादव को? तो निर्दलीय है ना? निर्दलीय से लड़ रहे हैं, खुद अपने आप पर, अपने पैर पर, अपने दम पर, किसी से तो ये लालटेन छाप में नहीं है भैया? नहीं, आरजेडी में वो भी है, लेकिन निर्दलीय में वो भी खड़ा हुए खुद अपने पैर पर, उसी को वोट मिलेगा। ओ, आप मतलब बीजेपी और आरजेडी को नहीं, विनोद यादव को वोट दीजिएगा? हाँ। क्या माहौल है आपके बाजार का? बाजार का तो अभी माहौल इंडिया गठबंधन की तरफ है। इंडिया गठबंधन? एनडीए की ओर नहीं, मोदी की ओर नहीं? 15 साल मोदी की ओर रहा, कुछ किए नहीं, तो इस बार 15 साल मोदी जी थोड़े ना रहे, 10 साल से हैं मोदी जी, मतलब कि उनका कैंडिडेट नवादा। अच्छा, नवादा से 15 साल से एनडीए के लोग जीत, उनको मौका दिया गया तो ऐसा कुछ किए नहीं, इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। अच्छा, इस बार बदलाव जरूरी है जी सर। तो इस बार आप लोग किसको, आरजेडी को वोट दीजिएगा या विनोद यादव को? हम तो अभी वोटर नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि नवादा का कुछ जनता भी दुविधा में है किधर जाए। अच्छा, जनता दुविधा में है। देखिए इधर भाई साहब रिक्शा चलाते हैं, क्या माहौल है भैया आपका नवादा का? बस श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा, हाँ, आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद। विनोद यादव को नहीं दीजिएगा वोट? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पार्टी से नहीं है ना, इसीलिए। और बीजेपी को? बीजेपी को तो कोई चांस नहीं, वो दूर का है, उसको खोजने में हमको नो दिया तेरह जल जाएगा, और ये घर का आदमी है, यहाँ कोई काम पड़ेगा तो तुरंत चले जाएंगे, ये हमारा काम सुनेंगे। बाहरी आदमी को क्षेत्र का पता नहीं है कि नवादा में कौन मोहल्ला किधर है, कुछ भी पता नहीं है। आप ये टोटो चलाते हैं? जी भैया। ई रिक्शा? जी भैया। आपका खुद का है ये? जी, खुद का है। कितना में खरीदे थे? खरीदे थे 1,60,000। कितना कमा लेते हैं? 500, 600, 700 डेली? पर डे कभी कम भी होता है। सही चल रहा है सब कुछ? सही तो नहीं चल रहा है, महंगाई में रोज कमाना है, रोज खाना है। महंगाई है? नहीं, बहुत ज़्यादा, चरम सीमा पार कर गया है। क्या माहौल है नवादा का? नवादा क्या कहे, लोकल, जो लोकल है उसको वोट दीजिएगा? उसको वोट देंगे। बीजेपी को नहीं? बीजेपी को नहीं देंगे। यहाँ आता है लूट के लेकर चला जाता है, इसलिए हम लोग इस बार यहाँ के लोकल को वोट देंगे।
श्रवण कुशवाहा जी जाएंगे, श्रवण कुशवाहा वोट हम लोग देंगे। ये बताइए कि नवादा में इस बार वोट किसको मिलेगा? अभी तो श्रवण कुशवाहा को 100% जो है माहौल लग रहा है श्रवण कुशवाहा का। बीजेपी को? बीजेपी के बारे तो हम लोग नहीं कह सकते, बीजेपी को तो अभी सुपड़ा सापे है, इसलिए बीजेपी वाला आता है तो कोई काम ही नहीं करता, कोई काम नहीं करता। इधर आइए भाई साहब, क्या माहौल है नीचे आ जाइए ना थोड़ा, बोलिए क्या माहौल है नवादा? माहौल बढ़िया है। किसको इस बार वोट मिलने जा रहा है? गुंजन सिंह। गुंजन सिंह को आप लोग वोट दीजिए, लोकसभा का चुनाव है देश में। हाँ तो गुंजन सिंह को देंगे, गुंजन सिंह को दीजिएगा। पर क्या माहौल है नवादा इस बार? माहौल ये है कि विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा, ना कि सिर्फ जुमलाबाज के खिलाफ। हम ऐसा व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं जो देश का विकास करे। कौन विकास करेगा? विकास ऐसा आदमी को दिया जाए ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये अपना सबका अधिकार है। मेरा ये अधिकार है कि जो लोगों को देखे और ज़मीनी स्तर पर काम करे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो। आइए, यहाँ एक अंकल हैं, अंडा का छोटा सा ही दुकान लगाए हुए हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या माहौल है बाबा नवादा का? हरकैन साहब में देगा सब, लालटेन में। लालटेन में? हाँ, जाए तो रहिए। आप ये अंडा का दुकान रेहड़ी लगाए हुए हैं, हाँ। कितना कमा लेते हैं इससे? 200 रुपया कमाते हैं। 200 रुपया बस। चलिए देखिए कि इधर एक ई रिक्शा चला रहे हैं भाई साहब। ये बताइए कि आप नवादा के रहने वाले हैं? हाँ नवादा है। इस बार वोट किसको मिलेगा? बीजेपी। बीजेपी को? विवेक ठाकुर को आप वोट दीजिएगा? हाँ आराम से। क्यों वोट दीजिएगा? वो अच्छा आदमी है, वोट दे। अच्छा आदमी है? हाँ। लालटेन छाप को? लालटेन छाप को वोट दे, इसी बहुत मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी से प्रेम है। मोदी हमेशा, मोदी से वोट दे हमेशा, मोदी का वोट हमेशा मोदी को। आइए भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। इस बार क्या माहौल है नवादा का? इस बार माहौल, हम नवादा संसदीय क्षेत्र में श्रवण कुशवाहा एक नंबर पे चल रहे हैं। एक नंबर पे चल रहे हैं। बीजेपी? बीजेपी 2 नंबर पे रहेंगे। बीजेपी के 2 नंबर पे कर दिए हैं? कर नहीं दिए हैं, यहाँ के पूरा जनता लोग किए हैं। भाई साहब आप बोलिएगा कुछ, आइए आइए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। क्या माहौल है नवादा का? नवादा में श्रवण कुशवाहा जिंदाबाद। श्रवण कुशवाहा जिंदाबाद। लालटेन छाप को वोट दीजिएगा। यस। बीजेपी को? अब बीजेपी क्या कर रहा है, 5-10 साल से खाली भाषण ही दे रहे हैं मोदी सही, काम नवादा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। नवादा के लिए काम कुछ नहीं है। यहाँ की जनता को आपने सुना कि लोग किस तरीके से अपने अपने विचार को इन्होंने रखा है। अब देखना होगा कि नवादा की जनता इस बार किसे यहाँ से सांसद बनाती है, अपना मत अपना वोट किसे देती है। नवादा से सौरभ राज, लाइव सिटी।